सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। मुझे ऐसी मूवीज बहुत पसंद है जिनको पहली बार देखने के बाद में आपको घंटा कुछ भी समझ में नहीं आता, मगर मूवी इतनी अच्छी होती है कि आप इसको समझे बगैर रह ही नहीं पाते हैं। वो हमारे अंदर का सुलेमानी कीड़ा होता है ना, वो हमें जीने ही नहीं देता और कहता है कि भाई आपको ये मूवी समझ में क्यों नहीं आई, और इसीलिए आप मूवी को फिर से देखते हैं इस उम्मीद में कि शायद इस बार आपको मूवी क्लियरली समझ में आ जाए। कुछ लोगों को समझ में आता है और कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, इसीलिए अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं ये मूवी सिर्फ रिव्यू करूंगा उन लोगों के लिए जिनको ये मूवी समझ में आई है, और जिनको मूवी समझ में नहीं आई है वो मेरा आने वाला रिव्यू और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसी मूवी का, जो मैं इसके बाद में तुरंत करूंगा। तो वो लोग जिनको ये मूवी समझ में आई है वो स्टिल ये रिव्यू देख सकते हैं, क्या पता आपको कुछ ऐसी बातें पता चल जाए जो आपने मूवी में नहीं नोटिस की हो। इस मूवी का रिव्यू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, तो आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे ताकि ये मूवी आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी को समझने के लिए पहले मूवी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें पांच इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। पहला है जेन, दूसरा है जॉन, तीसरा है बारटेंडर या बारकीप, चौथा है फिजल बॉम्बर और पांचवा है रॉबर्टसन। साल है 1975 और न्यूयॉर्क सिटी में ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से अराउंड 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस हादसे के 6 साल के बाद में यानी कि 1981 में एक एजेंसी ने एक पोर्टेबल टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाया है जिससे आप 53 इयर्स पहले और 53 इयर्स आगे जा सकते हैं 1981 से। तो इस मूवी में 1981 से टाइम में वापस जाकर 1975 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे 11 एजेंट्स हैं जो कि इस टाइम मशीन को यूज कर सकते हैं या फिर उन लोगों को ये टाइम मशीन यूज करने के तरीके पता हैं। इन लोगों को ये भी बताया जाता है कि अगर इस टाइम मशीन का उन्होंने किसी गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो इसकी सजा उनको मौत के तौर पर भी मिल सकती है। इसके साथ साथ और भी वार्निंग्स है और बहुत सारी चीजें हैं टाइम मशीन को लेकर जो कि इन लोगों को बताई जाती है कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, या आप ये कर सकते हैं या ये आप नहीं कर सकते हैं। और अब इन सभी एजेंट्स में से एक एजेंट है हमारे हीरो यानी कि इथन हॉक, और इथन हॉक टाइम ट्रैवल करते वक्त में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ देते हैं और टाइम के चक्रव्यूह में कुछ ऐसे फंस जाते हैं कि ये प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स बना देते हैं। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स ये क्या होता है? ये एक ऐसा इंसिडेंट है जहां पर आप एक टाइम के लूप में फंस जाते हैं जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। यानी कि एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। मतलब ये एक ऐसा लूप है जिससे आप बाहर निकल ही नहीं सकते क्योंकि इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंड पॉइंट, यानी कि ये एक एंडलेस लूप है। इसे टेम्पोरल लूप के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समझा आपको? प्रॉब्लम नहीं, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत पहले द टाइम मशीन नाम की एक मूवी आई थी 2002 में, जहां पर एक साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड मर जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए एक टाइम मशीन बनाता है। उस टाइम मशीन में बैठकर वो उस हादसे के ठीक पहले पहुंच जाता है जिस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड की मौत होने वाली रहती है। वो हजारों बार ट्राई करता है मगर अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से नहीं रोक पाता। अब आप पूछेंगे कि क्यों नहीं रोक पाता? इसका आंसर देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पैराडॉक्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी थियरीज दी है, तो ये भी मेरी एक तरह की अपनी थियरी है। मे बी शायद ये गलत भी हो सकती है, मे बी शायद से रॉन्ग भी हो सकती है, बट लेट मी गो अहेड एंड एक्सप्लेन इट इन माई वे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए उसे नहीं बचा पाया, सपोज करते हैं कि वो वक्त में पीछे जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। अब क्योंकि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया है, उस टाइमलाइन में उसे टाइम मशीन बनाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। गर्लफ्रेंड मरी नहीं तो वो टाइम मशीन बनाएगा नहीं, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो टाइम मशीन बना चुका है और टाइम मशीन बनाने के बाद में ही वो पीछे गया है। यानी कि अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो ये इंसिडेंट भी होगा। अगर गर्लफ्रेंड मरी है तो टाइम मशीन बनना है, और गर्लफ्रेंड अगर नहीं मरी है तो टाइम मशीन तो बनेगा ही नहीं, और अगर टाइम मशीन बनेगा नहीं तो ये फ्यूचर में ये पास्ट में जाएगा ही नहीं। सो दो चीजें इनएविटेबल है, गर्लफ्रेंड मरेगी और टाइम मशीन बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों चीजें होंगी तो एक साथ होंगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। इस चीज को हम टेम्परल लूप कहते हैं जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हमें प्रीडेस्टिनेशन मूवी में देखने के लिए मिलता है, बट जहां पर हमने द टाइम मशीन में एक आदमी को ट्रैवल करते हुए देखा था, यहां पर मल्टीपल टाइम में मल्टीपल लोग मल्टीपल बार टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए ये मूवी कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने लगती है। मगर जब आप हर एक आदमी का एक अलग टाइम लूप बनाएंगे
तब आपको ये मूवी पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। ये मूवी एक घंटे तक आप आसानी से समझ जाएंगे, मगर एक घंटे के बाद में आपको ये मूवी घंटा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें अगर एक ही कैरेक्टर टाइम ट्रैवल करता तो आपको समझ में आता, मगर अलग अलग कैरेक्टर एक साथ एक टाइम से कोई पहले जा रहा है तो कोई आगे जा रहा है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मूवी को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मूवी के ईयर पे अगर आप सिर्फ फोकस करेंगे तो शायद आपको मूवी आसानी से समझ आ जाए। ऑफ कोर्स ये मूवी आपको कंफ्यूज करती है, बट क्योंकि आपको कंफ्यूज करती है इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं है या मूवी की स्टोरी अच्छी नहीं है। मूवी बहुत अच्छी है और इस मूवी को यकीन मानिए मैंने कम से कम 7 या 8 बार देखा है। ये मूवी मैंने बहुत पहले देखा था, बट अभी रिसेंटली मेरे एक फॉलोअर विकास मौर्य ने इतनी बार रिक्वेस्ट किया है इस मूवी को कि मैं बाकी सब मूवीज छोड़कर सिर्फ इस मूवी को रिव्यू और एक्सप्लेन करने में लग गया हूँ। विकास मौर्य, योर रिव्यू इज फाइनली हियर, ओके सो एंजॉय इट। इथन हॉक की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर इसमें सैरा स्नूक अपनी क्यूट एक्टिंग से आपका दिल जीत लेती हैं, क्योंकि भले ही इथन हॉक इस मूवी के लीड कैरेक्टर रहे हो मगर मूवी की मेन जान सैरा स्नूक की थी और इसमें इनको 2 रोल्स प्ले करने थे और इनको अपना लुक भी टोटली चेंज करना था, जिसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता वरना स्पॉयलर्स हो जाएंगे। बट अगेन आई सिंपली लव एज वेल एज एंजॉयड हर परफॉर्मेंस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल और पीटर स्पीरिग ने, जो कि दोनों ही भाई हैं, जिन्होंने एक साथ मिलकर काफी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई हैं, जैसे कि लेटेस्ट में है विंचेस्टर, जिगसॉ, डे ब्रेकर्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। मूवी के डायरेक्शन के साथ साथ इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी थी। हाँ, ये मूवी कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देती है, बट एक्चुअल इस मूवी की स्टोरी ही ऐसी थी कि आपको कंफ्यूज कर देगी। इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि स्टोरी कंफ्यूजिंग थी, एक्चुअल इतना टाइम जंप है कि आपको अपने ब्रेन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि ताकि आप स्टोरी का टाइमलाइन समझ सके। दिस हैज नथिंग टू डू विद द वीक स्टोरी पार्ट। स्टोरी और डायरेक्शन अगेन काफी अच्छी थी इस मूवी की। सो मेरे हिसाब से ये मूवी काफी अच्छी थी, जिसको आप 2, 3 या मेरे ख्याल से 4 बार भी आराम से एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने इस मूवी को 7 या 8 बार देखा है। एंड अगेन एवरी टाइम आई हैव वॉच्ड इट एंड एवरी टाइम आई हैव एंजॉयड इट। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8 out of 10। तो आपको हमारा ये मूवी रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।